गाइस, आप सबका साउथ मूवी सीरियल की और एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको याद तो होगा, आज से डेढ़ दो महीने पहले मैंने शिवा कार्तिकेया की डॉक्टर मूवी के बारे में अपडेट दिया था और उस वक्त बताया था कि शिवा कार्तिकेया की और एक मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया है और उसके बारे में मैं बहुत जल्दी अपडेट लेकर आऊँगा। लेकिन एग्जाम और टाइम की वजह से इतने दिन में अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन दोस्तों आज मैं अपडेट लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए इस मूवी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मूवी अनाउंसमेंट हुआ है उसका नाम रखा है आयलन। जी हाँ दोस्तों, आयलन, जो कि एक तमिल साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी होने वाला है और टाइटल के साथ साथ इसका लुक पोस्टर भी रिलीज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसका लुक पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं एक लुक पोस्टर जो कि एक एलियन का फिल्म होने वाला है। जब इसका लुक पोस्टर रिलीज किया था तब शिवा कार्तिकेया सर ने ट्वीट किया था जहाँ पे कैप्शन दिया था मीट माय फ्रेंड फ्रॉम अदर वर्ल्ड, मतलब उनका फ्रेंड होने वाला है ये एलियन। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि एन फन फील्ड एडवेंचर ऑफ एन एलियन एंड ए मैन, मतलब एक इंसान और एलियन के बीच का जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में ये मूवी होने वाला है। अगर लुक पोस्टर पर नजर डाले तो लुक पोस्टर पर शिवा कार्तिकेया सर और उनका एलियन फ्रेंड बहुत ही आनंदित नजर आ रहा है। उन दोनों का जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट को देखकर ही नजर मतलब फील कर सकते हैं कि वो दोनों कितना मजा करने वाला है मूवी पर। दोस्तों, यहाँ पे अगर एलियन की मूवी की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एलियन का मूवी तो ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 मूवी ही आ रही है। ऋतिक रोशन सर का कोई मिल गया मूवी और अक्षय कुमार सर का जोकर मूवी, उन दोनों मूवीज पर एलियन आया था। और एक है पीके मूवी, लेकिन पीके मूवी पर एलियन नहीं आया था, वो इंसान ही था, उसको मैं एलियन की तौर से नहीं देखता। और यहाँ पे अब साउथ इंडस्ट्री में भी आयलन मूवी से एक शुरुआत हो रहा है एलियन का मूवी, लेकिन फिर भी अगर साउथ इंडस्ट्री में इससे पहले भी कोई एलियन का मूवी बना है, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा है। लेकिन आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उस मूवी के बारे में, अगर है कोई एलियन का मूवी साउथ इंडस्ट्री पर। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आर रवि कुमार सर। जी हाँ दोस्तों, आर रवि कुमार सर की अगर पिछले मूवीज की बात करें तो उन्होंने साल 2015 में एक मूवी किया था जिसका नाम था इंदु नेत्रु नलाई, जिसको बहुत ही अच्छा रेटिंग मिला था, 10 में से 8 के रेटिंग मिला था और मूवी सुपरहिट साबित हुआ था साउथ इंडस्ट्री पर। लेकिन हिंदी में इस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में मूवी अवेलेबल है यूट्यूब पर टाइम मशीन के नाम से, मिश्री मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा कि नहीं टाइम मशीन मूवी को, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी बहुत ही अच्छी थी। आपने अगर देखा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि ये मूवी कैसा लगा आपको। और आपको बता दूं कि आपने अगर इस मूवी को नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है टाइम मशीन के नाम से। और टाइम मशीन के बाद आप 2020 में आयलन मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आर रवि कुमार सर, जिस पर शिवा कार्तिकेया के साथ साथ फीमेल लीड रोल पर है राकुल प्रीत सिंह और साथ ही साथ सपोर्टिंग लीड रोल पर है शरद केलकर, ईशा कोप्पिकर और योगी बाबू सर। दोस्तों, इस मूवी पर म्यूजिक देने वाला है एआर रहमान सर। जी हाँ दोस्तों, एआर रहमान सर म्यूजिक देगा। और दोस्तों, इस मूवी का बजट होगा 40 से 50 करोड़ का, जिस पर पैसा खर्च कर रहे हैं आरडी राजा और कोटापाडी सर, जिनका प्रोडक्शन हाउस है 24AM स्टूडियोज और KJR स्टूडियोज। और दोस्तों, इस मूवी का शूटिंग तो कम्प्लीट नहीं हुआ है, बस 30-35% ही शूटिंग कम्प्लीट हुआ था और एक पोस्टर रिलीज किया था, लेकिन उसके बाद अब तो शूटिंग बंद हो चुका है लॉकडाउन की वजह से और शायद बहुत टाइम लगेगा शूटिंग चालू होते होते। और दोस्तों, इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए सोच रहा था दिसंबर महीने में इस मूवी को रिलीज़ करने वाला था 2020 में, लेकिन अब नहीं लगता है कि 2020 में रिलीज़ करवा पाएगा, इसको अब 2021 में रिलीज़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से शूटिंग नहीं हो पा रहा है तो मूवी इतने जल्दी नहीं रिलीज़ हो पाएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी जो कोरोना का महामारी चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और लॉकडाउन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हर एक मूवीज़ का शूटिंग चालू हो जाए, क्योंकि सिर्फ यही मूवी नहीं, सब मूवीज़ का ही रिलीज चेंज होने वाला है, सब मूवीज़ को ही अब लेट रिलीज़ करवाना पड़ेगा। तो आगे चल के अगर इस मूवीज़ के बारे में और भी अपडेट जानना चाहते हैं और साथ ही साथ और भी कई सारी साउथ इंडियन मूवीज़ के अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमको वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच जाए। और आज की इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।